महाशिवरात्रि फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि। आज से लगभग 22 लाख वर्ष पूर्व सतयुग में शिवजी और माता पार्वती का विवाह हुआ था। वे अलग अलग कल्पों में हमारी समझ के लिए अपने विवाह की लीला प्रकट करते हैं, वरना उनका संबंध तो अनादिकाल से है। उनकी शादी हम मनुष्यों की भांति अस्थाई यानी कुछ वर्षों की नहीं होती। हड्डी मांस से बना ये शरीर संसार में हमारे रिश्तों की मर्यादा बन जाता है। कोई किसी जन्म में किसी का पुत्र और अगले जन्म में उसका पिता। शरीर खत्म, रिश्ता खत्म। किंतु प्रभु का शरीर पूर्ण स्पिरिट है, यानी कोई केमिकल या पदार्थ नहीं, केवल शुद्ध सनातन अविकारीय तत्व। उनका संबंध हमारी तरह स्त्री पुरुष का नहीं, बल्कि शक्ति और शक्तिमान का है। परम वैरागी भगवान भोलेनाथ के विवाह की स्टोरी भी यूनिक है। उनका विवाह वर्तमान उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग के त्रियोगी नारायण मंदिर में हुआ था। स्वयं नारायण भगवान विष्णु माता पार्वती के भाई के रूप में और ब्रह्मा जी मुख्य पंडित के रूप में उपस्थित थे। ब्रह्मशिला वह सटीक स्थान है जहां भगवान ने फेरे लिए थे। भोलेनाथ के भीतर वैराग्य तथा नारायण की भक्ति इतनी प्रगाढ़ थी कि वे तो विवाह करना ही नहीं चाहते थे। भगवान विष्णु के आग्रह पर ही वे माने। भोलेपन में शिवजी अपने ही विवाह में खूंखार रूप में आ गए थे। शेर की खाल पहनकर, गले में सांप लपेटकर और पूरे शरीर पर प्राण त्याग चुके भक्तों के शरीर की राख मलकर। उनकी सास उन्हें देखकर घबरा गई थी। शिवजी ने फिर भगवान नारायण के कहने पर एक सुंदर पुरुष का रूप धारण किया, जिन्हें हम आज सुंदरेश्वर महादेव के रूप में पूजते हैं। फिर उनके ससुर ने भी शिवजी से उनके माता पिता और कुल के विषय में पूछा। इस प्रश्न पर सभी के मुख पर बहुत देर तक चुप्पी रही। तो उन्होंने फिर पूछा, इस बार नारद मुनि ने अपनी वीणा से तन की ध्वनि बजाई। शिवजी के ससुर को लगा कि वे उनका उपहास कर रहे हैं। उन्हें क्रोध आया, उन्होंने फिर पूछा, तो नारद जी ने फिर वही तन की ध्वनि बजाई। फिर उन्होंने समझाया कि वास्तव में शिवजी के कोई माता पिता नहीं है, ये स्वयं सबके पिता हैं। ये साउंड वाइब्रेशन से भी सूक्ष्म है, किंतु फिर भी एक ध्वनि के रूप में उन्हें थोड़ा बहुत समझा जा सकता है। वे स्वयंभू हैं, इनके कोई पूर्वज नहीं। यह सुनकर शिवजी के ससुर अत्यंत भयभीत हो गए, फिर भी विवाह संपन्न हुआ। यह कथा स्थल पुराण में विस्तृत रूप में आती है, किंतु यहाँ इतना ही भाग प्रस्तुत कर पाना संभव हो पाया। महाशिवरात्रि महोत्सव की अनंत कोटि शुभकामनाएं। नमः पार्वती पते हर हर महादेव।